आज दिखा दिया है कि उनके ताकत क्या है, और खासकर अभी तो बैटिंग, अभी तो बॉलिंग ही शुरू है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, संतुलित टीम है, और मैं समझता हूँ कि आज का मैच जीत जाना चाहिए। हाँ, कोई अगर कुछ और आ जाता है, मिराकल कुछ हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है, 5 आउट हो गए हैं और साउथ अफ्रीका के 112 रन पर, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रन वो बना पाएंगे, 160 175 तक वो पहुंच पाएंगे, और इंडिया जो है अब नॉर्मल क्रिकेट खेलता है तो वो लोग ये मैच जीत जाएंगे। परफॉर्मेंस लग रहा है कि वर्ल्ड कप इंडिया की बेहतरीन होती जा रही है। पिछले मैं कहूँगा 2 साल से भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, चाहे हम लोग अपने घर में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, या इंडिया के बाहर खेल रहे हैं, लगभग सभी टीमों को, एक आधी कोई सीरीज चल रही हम छोड़ देते हैं वनडे की, सभी टीमों को हम लोग हराते चले जा रहे हैं, तो इस समय मनोबल कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, और फिर विराट कोहली जैसा जो है कप्तान है, बहुत ही एग्रेसिव आक्रामक कप्तान है, और लीड जो फ्रंट से लीड करता है, आगे से अगुवाई करता है, उसे जो है आगे बढ़ता है, तो ऐसा कप्तान भी जब होता है तो फिर मैं समझता हूँ टीम को ये बहुत बड़ा जो है वो फायदा होता है। इस बार भी लग रहा है कि इंडिया ही वर्ल्ड कप की दावेदार मानी जा रही है, प्रबल मैं कहूँगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये 3 सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे। अब चौथी टीम के ऊपर संघर्ष है, कौन से, न्यूजीलैंड भी आ सकती है, वेस्ट इंडीज भी इसमें आ सकती है, पाकिस्तान भी इसमें आ सकती है, तो लेकिन ये 3 टीम मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में इन टीमों का प्रदर्शन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की टीम अब मजबूत हो गई है, पहले कमजोर थी, लेकिन डेविड वार्नर के और स्टीवन स्मिथ के आने से वो मजबूत हो गई है। इंग्लैंड ने पिछले 6 महीने में जो है वो टीम अच्छी बना ली है, अच्छी इकट्ठी हो गई है उनकी, और वो रन बनाने भी शुरू हो गए हैं, कुछ अच्छे प्लेयर भी आ गए, कुछ यंग प्लेयर भी आ गए हैं उनके पास, तो जो वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ये 3 प्लेयर, इसलिए मैं 3 टीम में बोलता हूँ मैं कि इसलिए बहुत अच्छी है ये टीम, और ये सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। इंडिया को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। जिस तरह से आज यहाँ पे बैडमिंटन हॉल में इंतजाम किए गए हैं इंडिया का मैच देखने के, ऐसे आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल, जितने भी इंडिया के मैच हैं वो सब हम यहाँ दिखाएंगे। आज ईद की वजह से छुट्टी है, तो इसीलिए लोग आज स्टेडियम में नहीं आए, थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले मैच से यहाँ पे काफी संख्या में लोग आएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग उभरते हुए खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो सब आए और मैच देखें और मैच का आनंद उठाएं।